सो दोस्तों वेलकम बैक टू आर एस आर फाइनेंस। तो दोस्तों फाइनली जो है मैं अपना पैन कार्ड यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर NBFC में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। रिसेंटली मुझे 5 लाख रुपए का ऑफर मिला है। जी हाँ दोस्तों, भाई एप्लीकेशन नाम है पेसिन और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। देखिए 5 हज़ार से मैं 5 लाख रुपये तक लोन ले सकता हूँ। सीरियसली गाइस, 5 हज़ार से मैं 5 लाख रुपए तक एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं लोन अप्लाई नहीं करूँगा। रिसेंटली मैंने मनीव्यू में अप्लाई कर रखा है 10 हज़ार रुपये का। तो हर किसी एप्लीकेशन में अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादा लोन अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा सिविल स्कोर को भी इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि सिविल स्कोर पे इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि पहली बात तो पहला आता है क्यूरी, उसके बाद लोन अप्लाई का। चाहे आप अप्लाई करो या ना करो, वहाँ पर फिर भी आपका नेगेटिव अकाउंट शो करता है कि आपने इंक्वायरी करी थी। लेकिन इसके लिए भी सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, जो मैं हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ। और आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी सिविल स्कोर अगर आपका ख़राब है तो उसे FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप ठीक कर सकते हो। इसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। अब बात करते हैं वही पेसिन के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप जो है अपना सेलेक्ट प्लान कर सकते हो, 5 हज़ार से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हो। 5 लाख रुपये के लोन में मुझे 4,82,300 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे और 17,700 रुपये मेरा प्रोसेसिंग फीस, GST समथिंग समथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 5,000 रुपये के लिए अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे शॉपिंग कर देता हूँ। पर्पस लोन पर्पस डालना कंपलसरी है, कंटिन्यू करेंगे। मैं लेना नहीं चाहता लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस कुछ डिटेल हैं तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट करने होंगे। ओके, यहाँ बिजनेस नेम, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ फिल करनी होगी। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है मैंने वर्क इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दिया है। अब फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद मैरिज स्टेटस, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में मुझे आधार कार्ड eKYC करना होगा, एड्रेस प्रूफ में मुझे अपना आधार कार्ड लगाना होगा और सैलरी वेरीफाइड करनी होगी, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट मुझे लगाना होगा, ये कंपलसरी है दोस्तों। तो फिलहाल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। इसका रीज़न बहुत बड़ा है कि भाई यहाँ पर मैं रीज़न इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं इसलिए अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा 6,30,000 रुपये का लोन चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि मैंने हाई लोन अमाउंट ले रखा है 6,30,000 रुपये का और जिसकी EMI जाती है 15,000 रुपये। तो इन सब से अगर छोटा छोटा लोन भी लूँगा तो 5-6 हज़ार रुपये की EMI बन जाएगी और वो मैं नहीं चाहता कि मुझ पर ज़्यादा लोड पड़े। तो इसलिए जो है मैं यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहता। इस यहाँ से अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलने वाला है।